पंचम वेद के नाम से उस समय एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि चार वेद लिखे गए थे, ये पंचम वेद है। ये पंचम वेद इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलाओं का समाहार है और ये जननी है बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस ऑफ आर्ट का। तो सबसे पहले 3000 साल के आसपास जब नाटशास्त्र लिखा गया, पहला मंचित नाटक हमारी जो अपनी हिस्ट्री कहती है वो कहती है समुद्र मंथन। तो हम अगर कहें कि अंग्रेज़ों के टाइम में जो नाटक हुआ वो पहला है या मुगलों के टाइम में हुआ वो पहला है, ऐसा नहीं है। समुद्र मंथन पहला नाटक है और आपको जान के खुशी होगी कि बाकी 3000 साल पहले बाकी सिविलाइजेशंस क्या कर रहे थे और आप यहाँ पे नाटक लिखकर मंचित कर चुके थे समुद्र मंथन। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि इसका जो कंक्लूडिंग सेरेमनी है उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी समुद्र मंथन कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मद्देनजर रखते हुए उसको हमारा जो नया प्रोडक्शन है वो समुद्र मंथन है। हम प्रारंभ से फिर से आरंभ करना चाहते हैं। I just want to ask, like there are many acting school and drama schools are being opened and there are a lot of competitors. I mean they are charging bomb money, you know, like 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh. We don't want to mention anybody's name, but is this a national school drama? Is a part of government? So why they, the young crowd, youngsters, why they don't get attract? मतलब ये तो बहुत nominal charge है और बहुत अच्छा है तो फिर भी वो लोग वहाँ भागते और यहाँ नहीं आते, ये क्या उनका मतलब क्या है problem issue? पहली बात तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निःशुल्क है, वहाँ सरकार आपसे कोई पैसा नहीं लेती है। दूसरी बात, पूरे देश में से मुश्किल से 30 बच्चों को चुना जाता है। करेक्ट। तो हमें पता नहीं लगता है कि कौन बच्चे थे जो वहाँ जा पाए कौन नहीं जा पाए। अगर इतना बड़ा देश है, इतने कॉम्पिटिशन के बाद 30 बच्चे 3 साल जब पढ़ते हैं वहाँ, उनका रहना खाना स्कॉलरशिप के साथ सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्पॉन्सर करती है, यही उम्मीद रख के कि ये जो लोग हैं ये रियाजी एक्टर निकलेंगे, ये सिनेमा में, ओटीटी में, रंगमंच में, मतलब मंच पर कुछ करेंगे, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। हैविंग सेड दैट, इतना बड़ा देश है, अगर 30 बच्चों को छोड़ के बाकी जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे? और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो बच्चा निकलेगा वही धुरंधर है, ऐसा भी नहीं है। एकलव्य भी है, अर्जुन भी है, और हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो फिलॉसफी, हम एकलव्य का अंगूठा नहीं गाड़ते, उसको हैंडीकैप नहीं करते, हम उसको एम्ब्रेस करते हैं, हम सब एक हैं। सो बाहर जो लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या अदरवाइज, जैसे परेश जी मेरे अध्यक्ष हैं, उनको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं, या पंकज जी मेरे साथ बैठे हैं उनको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं, वो भी तो एकलव्य हैं। और वो भी कई लोग उमदा एक्टर बन के सामने आते हैं, उमदा डायरेक्टर बन के आते हैं। हम तो आर्टिस्ट मानते हैं, एक्टर डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर के अंदर एक एक्टर होता है, तभी वो एक्टर को हैंडल कर पाता है, क्योंकि ही कैन विजुअलाइज एक्टिंग। एक्टिंग भी एक अलग तरह की चीज़ है जो बहुत सारे लोग अंधे होते हैं, देख नहीं पाते, वो खाली कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम थोड़ा ऐसे करो, मज़ा नहीं आया, जैसे हम उन्हें मज़े देने आए हैं, अरे तुझे मज़े अभी दूंगा कि बाद में सिनेमा हॉल में मज़े दूंगा। सो ये सब चीज़ें हैं, हर एक एक्टर के अंदर एक डायरेक्टर होता है, वो उसके मनस्थिति को ठीक करता है, उसको अंदर से उसकी चेतना को डायरेक्ट करता है कि ऐसा करना है, एक इमेज को देख पाता है जो किसी और को नहीं दिखता है। तो उस तरह का संस्कार के लिए अगर लोग 5 लाख दें, 10 लाख दें, मेरी तरफ से 10 करोड़ दें, लेकिन ट्रेनिंग सही होना चाहिए। करेक्ट, इट हैज टू बी प्रॉपर जी, बट ठीक है, मंडी है तो सब कुछ होगा। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अभी 5 और सेंटर्स भी खुला है, और हमारे उसमें क्या कहते हैं फिलोसफी में, हम ये विश्वास करते हैं कि हर एक स्टेट में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक ब्रांच हो, हर एक स्टेट में रीजनली जो लैंग्वेज जिसको अच्छा आता है, क्यों सारे लोग हिंदी फिल्म करें, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर तो सारा रीजनल लैंग्वेज मर जाएगा। क्यों सारे लोग अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी भाषा को, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वर्नाकुलर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में भी स्कूल्स खोलना चाहता है, लेकिन 5 हुए हैं, 25 भी होंगे। नाइस सर, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, नेशनल स्कूल ड्रामा, ऐसी कुछ आगे इन फ्यूचर में ऐसी कुछ प्लानिंग हो सकती है कि इसको लेके, मतलब जो भी कैंडिडेट है आप लोग फिल्म भी बनाएं और लोगों के अंदर वो एक ऐसा आए कि वाओ नेशनल स्कूल वाले लोग थिएटर तो कर रहे हैं लेकिन साथ में वो लोग फिल्म भी दे रहे हैं लोगों को, ऐसा एक कुछ
क्योंकि आपके एक्टिंग इधर है उधर है, यहाँ एक्टर है उधर है, स्क्रिप्ट इधर है उधर है, कॉस्ट्यूम सेट लाइट एवरीथिंग म्यूजिक डायरेक्शन एवरीथिंग इज देयर, बट कुछ बेनिफिट्स ऐसा है सिनेमा के पास की टेक्निकलिटीज जुड़ जाती हैं, एक लेंस का फर्क है, लेकिन याद रखिएगा नाटक वाले एक ही फ्रेम में होते हुए, जिसको आप लॉन्ग शॉट भी कह सकते हैं, लॉन्ग शॉट में रहते हुए एक उम्दा एक्टर क्लोजअप का मजे देता है yeah. और बहुत सारे सिनेमा के एक्टर हैं क्लोजअप में रह के भी लॉन्ग शॉट का मजे देते हैं. थैंक यू सर, दैट इज द डिफरेंस. मुझे लगता है कि सभी लोग को सर माय सेल्फ रश्मि दवे फ्रॉम स्टार रिपोर्ट मैगजीन सब एडिटर देयर. सर जो नुक्कड़ अपना नाटक होता है वो सामाजिक मुद्दों को लेके होता है, तो उसके प्रचार के लिए और उसको प्रोत्साहन के लिए क्या करना चाहिए? मैम बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. इस बार हमने बहुत सारे कॉलेजेस के जो ड्रामा सोसाइटीज ड्रामा ग्रुप्स हैं जो कि मुफ्त नुक्कड़ करते हैं उन लोगों को हमने शामिल किया है इसमें. कम से कम 50 से अधिक नुक्कड़ नाटक भी शामिल है. नमस्कार, मेरा नाम सुनीता दानी है, मैं दैनिक भास्कर से हूँ. आपने जैसे बताया कि पिछले साल ये महोत्सव सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, तो इस साल इसको मुंबई में लाने का क्या, किस उम्मीद से इसे मुंबई में लाया गया है? इस उम्मीद से लाया गया है कि ये दिल्ली सेंट्रिक ना रह जाए, ये अलग अलग शहर में हम अगर बस क्रिएट करते हैं अलग शहर में. बॉम्बे इसलिए किया गया ऑब्वियसली क्योंकि बॉम्बे में थिएटर की जागरूकता है. अच्छा, तो अगले साल शायद हम पांडिचेरी चले जाएंगे या चेन्नई चले जाएंगे, वी डोंट नो. हमारी एक एडवाइजरी कमेटी बनती है जिसमें अध्यक्षता हमारे ही ऑनरेबल चेयरमैन साहब करते हैं, वो तो अगले साल की बात है. इस साल यही था कि हम दिल्ली से भी बाहर निकले, जब हम विश्व के सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुके हैं हम दिल्ली से बाहर जाएँ, हम इनोग्रेट एक डिफरेंट शहर में करें, जबकि इंफ्रा हमारे पास नहीं है. हम दूसरे शहर जाते हैं तो देख रहे थे कैसे टूटा होकर बज रहा था, अगर वहाँ होता तो टूटा नहीं होता क्योंकि हम इतने सारे लोगों को लेके नहीं आ सकते, हम एक सीमित फंडिंग के साथ काम करते हैं. बट एट द सेम टाइम ये कमेंडेबल है कि 150 से अधिक नाटक को हैंडल करने वाले हमारे कुछ चंद एम्प्लॉयज और हमारे फैकल्टी और जो स्टाफ है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेंट्स हम मिलकर इसको करते हैं. सो लाने का यही है कि हम अपने एम्बिट को खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें. मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे भारत रंग महोत्सव कहा ना कहा भारत के विभिन्न भाषाओं को भी प्रमोट करेगा, तो इसमें विदेश की भाषा विदेश के प्ले लाने के पीछे क्या कारण है? मैडम उपनिषद का नाम सुना होगा, उपनिषद में कह दिया है इतने सालों पहले हजारों साल पहले वन अर्थ वन फैमिली, हम उनको फैमिली मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम. नहीं तो फिर हम दिल्ली अगर दिल्ली में है मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में खाली हिंदी नाटक करता वो फिर मलयाली नाटक क्यों करा रहा है? जो फिलोसॉफी जुड़ने का कल्चरली लोगों को जुड़ने का देश में हम पूरे विश्व भर में हम वो कर रहे हैं, जहाँ लोग लड़ रहे हैं हम वहाँ पर लड़ नहीं रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं आओ रंग कर्म के थ्रू हम लोगों का स्ट्रेस दूर. और स्ट्रेस दूर करना तो भरत मुनि ने कहा है, अभी साइकेट्रिस्ट के पास जाके 5,000 रुपये हम देते हैं, यहाँ 300 रुपये की टिकट देकर नहीं आते, स्ट्रेस दूर कर देंगे आपका, आप आइए प्लीज. हर शाम नाटक जिस दिन होगा, पहले हर एक मंदिर में नाट्य मंडप होता था, उसका रीजन क्या होगा कि शाम को लोग जाएं जब आरती हो उसके बाद कुछ देख कर आए, तरोताजा होकर लोग आए, दिन भर का थकान विषाद सब दूर करके आए, रोज आपका सिस्टम ऐसे बना हुआ था, रोज आपको छोटे 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 साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होती थी थ्रू आर्ट थ्रू प्ले थ्रू थिएटर. तो हम विश्व को इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो भी आए इतने बड़े प्लेटफॉर्म में काम करें हमारे साथ जुड़े, हम भी जाएं उनसे जुड़े. थैंक यू. मुझे लगता है कि सभी प्रश्न हो गए हैं और आप प्रेस के सभी सदस्यों से ही आग्रह है कि आप हमारे प्रयास को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रयास को जितना जनमानस तक पहुंचाएंगे उतना ही इसका विस्तार होगा. मैं डेस्क पर बैठे हुए सभी सदस्यों से सभी अपने कर्मान व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि एक बार पोस्टर लेकर के जरा खड़े हो जाए ताकि प्रेस में. हाँ, उससे पहले मैं क्योंकि उस समय साउंड का प्रॉब्लम था, अगर अभी अध्यक्ष महोदय सुन पा रहे हैं तो परेश जी से फिर से निवेदन करूँगा कि अगर कुछ कहना चाहें.
क्योंकि उस समय साउंड बहुत खराब हो गया था। साउंड तो मैं बिल्कुल वाया भी है, वाया वाया सर हम आपको सुन पा रहे हैं। नहीं, नहीं, जो कहना था वो आप कह चुके हैं, ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं। खाली उतनी गुजारिश है हमारे मीडिया के मित्रों से, इसको जितना हो सके उतना ज्यादा इसको फैलाइए, लोगों तक ज्यादा ज्यादा अवेयरनेस हो, यही हमारी गुजारिश है। और स्टेट गवर्नमेंट से भी गुजारिश रहेगी कि जितनी हो सके उतनी ज्यादा कल्चरल स्पेसेस बनाए। बड़ी खुशी की बात है कि सीता जी आज हमारे पास मौजूद है और उनका जो वो जो थिएटर जब खुला था मुझे अच्छी तरह याद है, तो जिस तरह उन्होंने आगे आए और थिएटर खुला है, वैसे काफी लोगों से भी हमारी उम्मीद रहती है जो केपेबल लोग हैं वो जो कल्चरल स्पेसेस बनाए और जो है मौजूद है उसको अच्छे से निखारे समाज, ताकि वो जा सकते और देख सकते, इतनी गुजारिश है। थैंक यू सर। सर आपकी अनुमति से हम लोग यहाँ पोस्टर्स को प्रेस के सामने पेश कर रहे हैं। इस बीच में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पीआर डॉक्टर ई गजालक्ष्मी मैडम से निवेदन करूंगा कि मैडम आप मंच पर आएं और प्रेस के सभी साथियों के साथ मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे अतिथियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर ई गजालक्ष्मी जी।